आप यजीद की वकालत करते हो, लोग आपको यजीदी के नाम से याद करते हो, क्या वाकई आप यजीदी? मेरा ताल्लुक यजीद से नहीं, हुसैन से है रजी अल्लाह ताला। मुझे अपनी जान से ज़्यादा महबूब हैं और प्यारे हैं तो वो सैयदना हुसैन। मैं मिंबर पर हूँ, बावजू हज़रत हुसैन मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब, उनका एहतराम उनकी इज्जत मेरे दिल में। करोड़ों यजीद इकट्ठे हो जाए, हज़रत हुसैन का मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं क्यों, हमें यजीद से कोई सरोकार नहीं। अगर मेरी बात जरा है बड़ी मंतिक वाली, मंतिक का समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके दर पर्दा क्या है, पीछे क्या है। हमें यजीद की से कोई सरोकार नहीं है, अगर यजीद को ढाल बनाकर मुआविया के दामन पे हाथ न डाला जाए। मेरी बात समझें आप के नहीं, यजीद को आर बनाया, ढाल बनाया और हमला किस पर किया? अगर ये बात ना होती तो हम कभी दिफा ना करें। हमें तो मुआविया की सहाबियत अजीज है, मुआविया से भी हमारी रिश्तेदारी कोई नहीं है भाई, उनसे भी इसलिए प्यार है कि वो मेरे नबी के सहाबी हैं, सहाबियत अजीज है। तुम यजीद को आर बना के मुआविया तक पहुंचना चाहते हो, हम मुआविया को बचाने के लिए तुम्हें यजीद के दरवाजे पर रोकना चाहते कि यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं यजीदी क्यों? मैंने यजीद को देखा भी नहीं, मैंने यजीद की बैत भी नहीं की, मैंने यजीद की इमारत में हज भी नहीं किया। काश के आप समझ जाते, कोई यार समझदार बन जाओ। वो जो हमारे फरीके मुखालिफ हैं वो इशारे करते हैं, लोग उछल उछल के आते हैं। ना मैंने यजीद की बैत की, ना मैंने उसके पीछे नमाजें पढ़ी, ना मैंने उसकी इमारत में हज किया, ना मैं उसके पास रहा।